जो सिंथेटिक्स मिल्क बनाए जाते हैं, मतलब जो दुकान वगैरह पे जो मिल्क प्रिपेयर किए जाते हैं, उसमें बेसिकली ये जो दुकानदार होते हैं ये इसमें स्टार्च वगैरह को मिक्स करते ये है हैं, मेरे पास जिसके थर्ड सैंपल मिल्क का, और इसमें हम ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप ऑफ व्हाट आयोडीन सॉल्यूशन। एंड अगर ये ब्लू या ब्लैक में कन्वर्ट होता है तो उसमें आपका स्टार्च क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। हे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और ए टू जेड प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा इस पे आपका 11th एज वेल एज 12th के सारे प्रैक्टिकल्स अवेलेबल है। आप जाइए उसको चेकआउट कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। बच्चों मैं आपको बता दूं कि आज मैं यहाँ पे 12th बायोलॉजी का प्रैक्टिकल नंबर 14 अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क फाइंड आउट करने वाला। बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे मिल्क में क्या अडल्ट्रेट किया जाता है मिल्क को अडल्ट्रेशन करने के लिए, वो हम आज चेक करने वाले। मतलब अगर आपको मिल्क दिया जाए और अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये मिल्क अडल्ट्रेशन है, अडल्ट्रेटेड है, तो मैं या फिर आप इस प्रैक्टिकल्स की हेल्प से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करना है? सो बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स के मिल्क लिए, ठीक है। एक है, एक बेसिकली आपका इसमें अडल्ट्रेटेड मिल्क है और बाकी के 2 आपके प्योर है, ठीक है। ये मुझे पता है लेकिन आपको ये चीजें नहीं पता है, ठीक है। तो अब ये कौन सा अडल्ट्रेटेड है और कौन सा प्योर है, तो मैं आपको बता दूं कि जो सिंथेटिक्स मिल्क बनाए जाते हैं, मतलब जो दुकान वगैरह पे जो मिल्क प्रिपेयर किए जाते हैं, उसमें बेसिकली ये जो दुकानदार होते हैं ये इसमें स्टार्च वगैरह को मिक्स करते हैं, जिसके वजह से इसकी क्वांटिटी तो बढ़ जाती है और ये चीप अवेलेबल होते हैं, मतलब बहुत ही सस्ते होते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन ये जो स्टार्च होता है ये हमारे बॉडी के लिए डीकम्पोज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि अगर स्टार्च को अगर हीट करके आप करोगे तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसे मिल्क को आप डायरेक्टली कंज्यूम करोगे तो ये आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है। तो चलो बच्चों हम देखते हैं हमारा हमारे ये प्रैक्टिकल से 12th बायोलॉजी का, और ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 14 है जिसमें हम क्या फाइंड आउट करने वाले, मिल्क का अडल्ट्रेशन। तो मैंने क्या बताया था कि हमारे पास 3 सैंपल है यहाँ पे मिल्क के, एक सैंपल में अडल्ट्रेटेड है, बाकी के 2 हमारे प्योर सैंपल है। चलो हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए बच्चा हमें जरूरत पड़ती है आयोडीन सॉल्यूशंस की। ये आयोडीन सॉल्यूशन जैसी अगर किसी भी मिल्क में बच्चा स्टार्च अवेलेबल्स रहेगा तो ये आयोडीन सॉल्यूशन उस स्टार्च के साथ में रिएक्शन करके ब्लू कलर देता है, जो कि हमें पता चल जाता है कि हमारा मिल्क जो है वो अडल्ट्रेटेड है। हम इस एक्सपेरिमेंट्स को केयरफुली करते हैं। सो बच्चों इस एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए हमें हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब होल्डर्स होना चाहिए, जिसके थ्रू हम टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, पकड़ेंगे। ओके चलो देखो, ये हमारे पास है टेस्ट ट्यूब होल्डर्स, ओके। और मैं इसमें पहले मिल्क के सैंपल को इसमें इंट्रोड्यूस करता हूं, ठीक है। चलो अब इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, मैंने क्या बोला था, मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ आयोडीन सॉल्यूशन। एंड अगर इसमें बच्चा आपका स्टार्च मिक्स होगा तो ये इसका कलर किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो हम देखते हैं यहाँ पे, ओके। सो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, एक ड्रॉप ये, तो फिलहाल आप देख रहे होंगे कि ये जो मिल्क का जो पहला सैंपल है, ये जो मिल्क का पहला सैंपल है ये आपका ना ही ब्लू हुआ है ना ही ब्लैक हुआ है, सो दैट्स व्हाई ये हमारा प्योर मिल्क है, ठीक है बच्चा। ये कैसा हमारा प्योर मिल्क, तो पहले सैंपल्स में आप क्या लिखेंगे कि कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, और इसमें स्टार्च ऐड नहीं है। इसमें स्टार्च ऐड है क्या, नहीं ऐड है। चलो दूसरा सैंपल हम कलेक्ट करते हैं, जो हम लोग ने दूसरा सैंपल लिया है उसको कलेक्ट करते हैं। चलो अब हम यहाँ पे लेंगे, ये जो हमारे पास दूसरा सैंपल है उसको लेते हैं, ठीक है। आप काउ मिल्क या बफेलो मिल्क कोई भी ले सकते हो, और इसमें हम ऐड करते हैं आयोडीन सैंपल को, सॉरी आयोडीन सॉल्यूशन को, ओके। और देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेस हमें देखने के लिए मिलता है। नाउ दिस इज ऑल्सो द प्योर, ठीक है, ये भी हमारे क्या है, प्योर मिल्क है, ठीक है, इसमें जरा भी अडल्ट्रेटेड नहीं है। एंड अब हम थर्ड सैंपल की टेस्टिंग करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या वो अडल्ट्रेटेड है या फिर क्या उसमें स्टार्च मिक्स है। चलो ये मेरे पास थर्ड सैंपल है बच्चा, और इस थर्ड सैंपल को हम टेस्ट करने वाले हैं। सो ये है मेरे पास थर्ड सैंपल मिल्क का, और इसमें हम ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप ऑफ व्हाट आयोडीन सॉल्यूशन। एंड अगर ये ब्लू या ब्लैक में कन्वर्ट होता है तो उसमें आपका स्टार्च क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। नाउ सी हियर, ये आपका ब्लू इज ब्लैक में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, आप चेंजेस देख सकते हैं इसमें और इसमें, आपको चेंजेस दिखेगा, ये जमीन आसमान का अंतर है। सो ये वाला आपका प्योर है, लेकिन जैसे आपका ब्लूइश या ब्लैक में
कोई आता है सोल्यूशन मिल्क का आफ्टर एडिशन ऑफ व्हाट आयोडीन सोल्यूशन, सो डेफिनेटली ऐसे मिल्क में क्या है आपका अडल्ट्रेशन है। सो बच्चों ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और बच्चा मैं जो आपको बता रहा हूँ पेज एक्सपेरिमेंट नंबर जो आपका 14 है अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क, इसके जो आंसर्स ये मेरे बाजू में प्रिंट आउट हो रहे होंगे, आप वहां से देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपको कैसा लगा ये वीडियो इस कमेंट बॉक्स में आपका एक फीडबैक होना चाहिए। थैंक यू।